आज हमारा गुलमर्ग में ये दूसरा दिन है और वेलकम यू टू आवर चैनल हनी बनी कपल। मैं हूँ शैलेश। मैं हूँ स्वाति। तो आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू, सुबह सुबह का मॉर्निंग व्यू हमारे होटल रूम से कैसा है। बहुत अमेजिंग है, मतलब फील आ जाता है। अभी हम लोग वैसे तो रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, पर आपको यहाँ से व्यू दिखाते हैं। ये मॉर्निंग व्यू भाई साहब बहुत, मतलब इतना कूल। जब आप सुबह उठते हो और देखते हैं तो एकदम मज़ा ही आ जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको। सॉरी फॉर द वेट। बस अब तू ही सुना। उतना है, थोड़ा सा डालना मेरे पास। ठीक है, कॉफी पी लो। बेसिकली हमारे रूम में काफ़ी फैसिलिटीज़ दी गई थी। ये मेन रूम हीटर जो फ्लैक्चुएट कर रहा था, सो हम लोगों ने दूसरा डिमांड किया तो दूसरा रूम हीटर उन्होंने दिया था। और रात में मतलब ऐसा था कि हम टी शर्ट्स में सोए हुए थे। अच्छा रूम हीट कर रहा काफी था, अच्छा बिल्कुल रूम भी है। ठंड नहीं रह रही थी। अभी अपन निकल रहे हैं गोंडोला राइड के लिए। तो दोस्तों हम लोग निकल पड़े हैं अपनी गोंडोला राइड के लिए, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। सो हम लोग थोड़ा सा वॉक करके ही जाएंगे तो ज़्यादा सही है। ज़रूरी नहीं है कि कैब या टैक्सी ली जाए, आप पैदल अभी भी जा सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस में है क्योंकि हमारा होटल बहुत नज़दीक है, तो हम वॉक करके जाएंगे और देखते हैं। साथ में बने रहिए, आप चलते हैं। और वो शिव टेम्पल है, अपन लौट के आएंगे तो घूमेंगे वहाँ पे भी। अगर दूर हो तो ले सकते हो आप। 1,000 रुपये बोल रहे हैं आने जाने का, बट ये 1 किलोमीटर भी नहीं है हमारे यहाँ से। 800 मीटर से हम वॉक करके जाएंगे। आप भी इंजॉय करो। कपड़े ब्लॉक तो नहीं ऐसे भी बना सकते हैं। ठंडी हो गई पहनो ना छोटा वाला चलो। बहुत लंबी है,
आप लोग सही है, सही लग रहा है यहाँ पे। बट अभी इतना ज़्यादा क्योंकि आइस नहीं है, स्नो नहीं गिरी है, तो उतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं। बस यहाँ थोड़ा सा ऊपर आके आप लोग एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि वैसे तो नवंबर में ही गिरने लगता है स्नो, पर इस बार अभी मिड दिसंबर हो गया, अभी तक स्नो गिरा नहीं है। सो बट फिर भी मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। स्वाति बहुत अच्छा लग रहा है, पर इतनी स्नो नहीं है जैसा हमने सोचा था, बट हम बहुत थक चुके हैं, काफ़ी चलना पड़ा। बस काफ़ी अच्छा व्यू है, पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। बस यहाँ बर्फ में ठंडी मर जाओ, मेरे हाथ में चल गए ऐसे, बस ऊपर से लोट में ऐसे लेट गए। सो गंडोला राइड का मजा, काफी फन किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा लग रहा था हमें यहाँ पे, और जगह पर यहाँ आइस ही आइस है, और आप देखेंगे यहाँ पे कितना अच्छा व्यू लग रहा है, चारों तरफ ग्रीन पेड़ और यहाँ पर वाइट वाइट स्नो, तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो गंडोला में। अब हम वापस जा रहे हैं, हम लोगों ने थोड़ा ट्रैक किया ऊपर गए, एक्चुअली में यहाँ पे अभी स्कीइंग करने लायक था नहीं, और जो था वो हाइट में था, तो वहाँ से बिना ट्रेंड करना सेफ नहीं था। तो हाँ आप लोग एंजॉय कर सकते हो ऐसे भी नॉर्मल, ट्रैक करो थोड़ा, जाओ ऊपर और एंजॉय करो स्नो को, क्या स्वाति? हम लोगों ने जो एंजॉय किया, आप लोग अगर थोड़ा पैसे बचाना चाहते हैं ना, तो आप खुद से ट्रैक करके अगर जाएंगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि आप थोड़ा देख भी पाएंगे कहाँ पर क्या है और कहाँ क्या नहीं। कुछ लोग यहाँ पे लूटने वाले भी हैं, तो आप ऐसे लोगों से बचें जो आपका पीछे लग जाएंगे और आपसे बोलेंगे कि हम घोड़ा करवा देते हैं, थोड़ा वो करवा देते हैं, तो वो सिर्फ एक नॉर्मल, आप अपने माइंड से सोचिएगा कि आपके लिए क्या सही है और फिर आप उसको लीजिएगा। मेरी पर्सनल एडवाइस होगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा शूट वगैरह फोटोग्राफी नहीं करानी है, नहीं करना है, तो गाइड ना भी लेंगे आप तो भी चलेगा, क्योंकि बिना गाइड के ही सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है कि जो गाइड के लोग हैं आप तभी वो होगा, गाइड अभी तो किसी चीज़ में हेल्प नहीं कर सकती। यहाँ पे घोड़े का इन लोगों ने कर रखा है, मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं है जाने के लिए घोड़े का, और अच्छा खासा ये लोग चार्ज कर रहे हैं, 1800-1800 बोल रहे हैं पर पर्सन, तो अगर आपको जाना ही है तो मतलब कोई इशू नहीं है। हाँ 100 मीटर भी नहीं होगा, 50 मीटर है, आप बार्गेनिंग करके जाएं, बार्गेनिंग बहुत अच्छी खासी बार्गेनिंग करिएगा, क्योंकि हम लोग नहीं ले रहे थे, तो लास्ट में वो हम लोगों से 500 में बोलने लगा, फिर एक आया तो बोला 300 में सर वहाँ छोड़ देंगे आपको, ऐसे ऐसे बोलने लगे, तो हम लोगों को क्योंकि पता था हम थोड़ा
खुद से चल के जाना चाहते हैं। देखा वहाँ पे कुछ था नहीं, हम लोगों को बोल रहा था कि सर आपको फेज टू तक ले जाएंगे, क्योंकि वो सब झूठ है। फेज टू तक आपको बिल्कुल नहीं ले जा सकते, क्योंकि ऊपर जो है आर्मी का एरिया है। फेज टू में जो भी जाते भी है गोंडोलों में, तो वो सिर्फ 15 मिनट रुकते हैं, क्यों, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर घूमने के लिए नहीं है। 5-10 मीटर ऐसे ही आप घूमोगे और वापस आ जाओगे, ज़्यादा देर रुक नहीं सकते और ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते। और घोड़े वाले बिल्कुल भी वहाँ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्नो ज़्यादा है। और तो ऐसा है, बाकी आप आइए, इंजॉय कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। ये गुलमर्ग मार्केट है भाई, you will get everything here like shawl, suit, sari, sweater, whatever you need. Just have a look inside. Come. देख लो ना रेट वगैरह। अभी हम लोगों को थोड़ा सा भूख सी लगी थी, मैगी खा लेते हैं, फिर चलते हैं, देखते हैं आगे का टूर अपना। पहले वो कर लेती, पहले कर ले, हो गए चुप इसके। ये सारी यहाँ लोकल शॉप्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें यहाँ लेनी है ले सकते हैं। बाकी थोड़ा कॉस्ट इसका ज़्यादा हो सकता है, बाकी आप थोड़ा बार्गेनिंग करके कम करवा सकते हैं। खाने पीने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखिए, और ये सब शॉप्स हैं यहाँ पर। काफ़ी सारी शॉप्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये
रहे थे कि खाने का बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, आपको जो भी खाना आप खा सकते हैं यहाँ पर। हमने मैगी खा ली इसलिए हमें भूख नहीं लगी है। बाकी यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं जैसे डोसा और पाव भाजी वगैरह वगैरह सब है यहाँ पर। ये शॉप है आइसक्रीम वगैरह की। अब हम लोग थोड़ा अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों ले चलते हैं आपको शिव टेंपल यहाँ पे गुलमर्ग में। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा लो बात करो। पीछे रखियो, छोड़ दो जाओ। चलिए देख के थोड़ा सा दर्शन करके आते हैं। दर्शन हो गए भैया, अब चलते हैं यहाँ से होटल और फिर वहाँ से चलते हैं श्रीनगर। यहाँ से बहुत भूख लगाई है तो कुछ खा लिया जाए।